हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। हमें एक पॉलीनोमियल दे रखा है और इसके दो जीरोस दे रखे हैं, ठीक है, और अदर जीरो हमें फाइंड करने हैं। तो देखो, जो भी पॉलीनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही जीरोस होंगे। तो यहाँ एक्स की पावर 4 है, 4 जीरोस होंगे, 4 जीरोस में से 2 जीरोस दिए हैं आपको, बाकी के 2 जीरोस अपने फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट करने मतलब x की वैल्यू आपको √5/3 और x की वैल्यू −√5/3 गिवन है। अब इसे हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x −√5/3 इक्वल टू 0 और माइनस वाले को अगर ट्रांसफर करते हैं तो x +√5/3 इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है। ये बना a माइनस बी और ये हुआ हमारा a प्लस। जब a माइनस बी ए प्लस बी को प्रोडक्ट करते हैं, आइडेंटिटी थी आपने क्लास में, तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मींस x स्क्वायर करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √5/3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 5/3। गॉट इट? तो ये इस पॉलीनोमियल से हमें जो गिवन पॉलीनोमियल है इसमें डिवाइड करेंगे। जैसे हम इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो अदर टू जीरोस हमें मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मिल जाएगा, उस क्वेश्चन से हमें अदर टू जीरोस भी फाइंड हो जाएंगे। समझ में आया? तो चलिए इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करना है हमें 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये 3x की पावर 4 है, तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आंसर 3x स्क्वायर। इसको इनपुट किया तो 3x की पावर 4 बन गया, गॉट इट। इसे मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 5x स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर वाले टर्म दे दी 5x, साइन चेंज करते मैंने आपको बताया था, ये कैंसिल आउट हो जाता है, एक्स क्यूब वाली टर्म एज इट इज आ जाती है, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 2 में तो 3 स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर। प्लस इसलिए आया क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है, तो बड़ा साइन ही आएगा, ठीक है, बिगेस्ट नंबर का। माइनस 10x माइनस 5, अब हमें लाना है 6x क्यूब, एक्स स्क्वायर है, 6x से इनटू कर दे इसे, प्लस का 6x, तो 6x से इनटू करेंगे तो 6x क्यूब बन जाएगा, माइनस 5 6 30, और s वाली टर्म आएगी तो यहां लिखते हैं 3 से इसे काटेंगे, 3 2 6 और 2 5 10, तो 10x आ जाएगा। अब हम वापस से साइन चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, अब हमारे पास टर्म बची 3x स्क्वायर माइनस 5, ये एक्स स्क्वायर है, ओनली 3 चाहिए हमें, तो प्लस 3 लिख देंगे, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 5 ओनली, माइनस 5 हो गया, साइन चेंज कर दिए, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कोशेंट आया, इस कोशेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, आप नीचे लिखना जगह का मैं इसलिए इक्वल टू 0 करता है, पूरी इक्वेशन में 3 का डिवाइड हो रहा है, डिवाइड किया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, फैक्टर करने इनटू करके 1 आए, ऐड करके 2 आए, 1 बन जाए 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x, 2x को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां कॉमन नहीं आ गया, यहां पर x कॉमन आ रहा है, यहां बचा x प्लस 1, ठीक है, और यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, प्लस 1 कॉमन आ रहा है, यहां क्या बच गया, x प्लस इज इक्वल टू 0, x प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये इसके आंसर हो गए, x प्लस 1 इक्वल टू 0 है,
x की इक्वल टू क्या आती है माइनस 1। ये इसके फैक्टर्स हो गए। इस तरह से हम इसके अदर टू फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,